वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बताया कि बैंकों और बीमा कंपनियों में बिना दावे वाली रकम यानी अनक्लेम डिपॉजिट का आंकड़ा 32,455 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बैंकों में बिना दावे वाली रकम में पिछले साल 26.8% का इजाफा हुआ था। ये राशि 14,578 करोड़ रुपए पहुंच गई है। सितंबर 2018 तक बीमा क्षेत्र में बिना दावे वाली राशि 16,887.66 करोड़ रुपए, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 989.62 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में 2017 में बिना दावे वाली रकम 11,494 करोड़ रुपए और 2016 में 8,928 करोड़ रुपए थी। SBI में अनक्लेम डिपॉजिट अमाउंट बढ़कर 2,156.33 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट्स को देखते हुए 2014 में RBI ने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF योजना शुरू की थी। इसके तहत 10 साल या ज्यादा समय से निष्क्रिय पड़े सभी अनक्लेम्ड खातों में जमा राशि या वो रकम जिस पर 10 साल से किसी ने दावा नहीं किया है उसकी ब्याज के साथ गणना कर DEAF में डाल दी जाती है। कोई ग्राहक कभी दावा करता है तो बैंक ब्याज के साथ उसे भुगतान कर देते हैं और फिर DEAF से रिफंड का दावा करते हैं। वित्त मंत्री सीतारमन ने बताया कि DEAF में ट्रांसफर राशि पर पहले 4% ब्याज दिया जाता था। 1 जुलाई 2018 से इसे 3.5% कर दिया गया है। DEAF की राशि का उपयोग जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और ऐसे ही दूसरे उद्देश्य के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।